अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपको सातिफ खान स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेके सेवन क्रिएशन। आज मैं मौजूद हूँ मज़ार गोल्डा शरीफ पीर मेहर अली शाह और पीर नसीरुद्दीन साहब के। मज़ार पे चढ़ाने के लिए चादरें और दुआ करने के लिए मखाने और मीठी चीज़ें वगैरह दरबार के बाहर मौजूद बाजार से आसानी से मिल जाती हैं। दरबार के अंदर जाने के लिए मुख्तलिफ सैदों पे दो मेन गेट बनाए गए हैं। अंदर जाने के लिए ख्वातीन और मर्दों के लिए अलग-अलग रास्ता बनाया गया है, जिसमें ख्वातीन और मर्दों दोनों को चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। गोल्डा शरीफ दरबार 0 पॉइंट से 11 किलोमीटर के फासले पर E11 में गोल्डा के मुकाम पर वाक़िया है। गोल्डा शरीफ एक ऐसा दरबार है जहां आकर आप न सिर्फ पीर मेहर अली शाह साहब के मज़ार की ज़्यारत करते हैं, बल्कि पीर नसीरुद्दीन साहब और इनके आबा व अजदाद की मज़ारों की ज़्यारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं। पीर मेहर अली शाह एक ऐसे पीर थे जिनके चाहने वाले और मानने वाले न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, और हर फिका से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इनको पीर मानता है। हज़रत पीर मेहर अली शाह का शुमार उन औलिया अल्लाह में होता है जिन्होंने अंग्रेज़ के दौर में कलमा हक बुलंद किया। आपने शरीयत की इशाअत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। आपके वालिद साहब का नाम सैयद नज़रुद्दीन था, जो कि हज़रत अब्दुल कादर जिलानी की औलाद में से थे। आपकी विलादत यकम रमज़ानुल मुबारक को 1274 हिजरी में गोल्डा के मकाम पर हुई। आपने कुरान, हदीस, फिका और मंतका की तालीम मुख्तलिफ जगहों से हासिल की, जिसमें गोल्डा शरीफ, शाहपुर, चकवाल, अलीगढ़ हिंदुस्तान और सहारन शामिल हैं। तालीम हासिल करने के बाद आप गोल्डा शरीफ तशरीफ़ ले आए और यहाँ पर अपने मदारस का क़याम किया, जहाँ से इस्लाम की इशात शुरू की। यूँ तो आपकी बहुत सी करामात दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन कादियानियत के ख़िलाफ़ खड़े होने वाला आपका इकदाम आज भी दुनिया को याद हैं और क़यामत के दिन तक याद रहेंगे। आप ही के दौर में मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया। आप उस वक़्त मदीना मुकर्रमा में मौजूद थे और हज की शहादत हासिल कर रहे थे। चुनाचे आपके ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत हुई और आपको कादियानियत के मुतलक इशारा दिया गया। आपने मदीना मुनव्वरा से वापस आकर कादियानियत के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी, जिसका जवाब आज तक कादियानी नहीं दे सके और ता क़यामत नहीं दे सकेंगे। चूँकि वो आपकी किताब का जवाब नहीं दे सके थे, इसलिए मिर्ज़ा कादियानी ने आपके साथ मुकाबले का फ़ैसला किया और आपको लाहौर में मुकाबले के लिए बुलाने के लिए समन भेज दिया। मुकाबले की तमाम शरायत उसने ख़ुद ही तय कर ली और जगह भी बादशाही मस्जिद खुद ही तय कर ली। चुनाचे आप गोल्डा से तमाम उलमा के साथ बादशाही मस्जिद तशरीफ़ ले आए। मुकाबले की शर्त यह थी कि दोनों तरफ से तफसीर लिखी जाएगी, जिसकी तफसीर सबसे अच्छी होगी वही इस मुकाबले का फातह होगा। पीर मेहर अली शाह साहब जब लाहौर तशरीफ़ ले आए तो कादियानी चूँकि झूठा था, इसलिए वो मुकाबले के लिए वहाँ पर नहीं आया। चुनाचे आप चंद दिन वहीं ठहरे
और कादियानियत के ख़िलाफ़ मज़ीद तफसीर बयान करते रहे। इस तरह आपने कादियानियत को शिकस्त दी। मिर्ज़ा कादियानी तू के झूठा था इसलिए नहीं आया, और उसने ये बहाना बनाया कि आप गोड़ला से पठानों को अपने साथ लेकर आए थे, अगर मैं मुकाबले के लिए आता तो वो मुझे मार देते। लाहौर में फतह के मौके पर आपने एक मशहूर जुमला फरमाया जो कि आज तक दुनिया को याद है कि ये मिर्ज़ा कादियानी मुझे पिंसल और करम लेकर तफसीर लिखने के लिए कहता है, मैं अगर पिंसल को कागज़ पर रख देता और पिंसल को हुक्म देता कि लिख, तो पिंसल खुद ही तफसीर लिखने लग जाती। आपका कायम किया हुआ मदरसा आज भी गोल्डा में मौजूद है। अल्लाह ताला आपकी कब्र पर करोड़ों हाँ रहमतों का नज़ूल फरमाए। Thank you.